बेहद बड़ी खबर, सीबीआई ने स्मिता पारेख को बयान के लिए बुलाया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त स्मिता पारेख, जो सुशांत को बहुत अच्छे से जानती थी, रिया को जानती थी, पिठानी को जानती थी, और इन सब से सुशांत की मौत के बाद पिठानी और रिया से लगातार बातें भी कर रही थी। उनका माइंडसेट, उनकी बातें, वो क्या कह रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या छुपा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ ब्रेन टैपिंग स्मिता पारेख के पास है। लगातार स्मिता पारेख चैनल्स पे ये बात बता रही हैं। उन्होंने स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो रिपब्लिक और टाइम्स नाउ पे उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स रिया के साथ शेयर की हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ की बातें बताई हैं और सुशांत के बारे में बातें बताई हैं। तो ऐसे में अगर स्मिता पारेख सीबीआई के पास जाती हैं तो कहानी में नए एंगल्स आ सकते हैं। स्मिता पारेख ने बहुत कुछ बताया, किस तरह से कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां स्मिता पारेख ने बताया कि रिया ने उनसे ये कहा था कि अगर वो पकड़ी गई तो सब पकड़े जाएंगे, वो सबका नाम ले लेंगी। अब ऐसे में आज सीबीआई को बुलाना, मैंने एक खबर आपको कल रात को दिखाई थी, अब ऐसे में आज सीबीआई का उनको बुलाना साफ जाहिर करता है कि सीबीआई कहानी के सब लोगों का नाम जानना चाहती है, कौन किस किरदार के पीछे क्या कहानी छुपी है उसको डिकोड करना चाहती है। क्या जो लोग बयान अब तक दे चुके हैं वो लोग कुछ छुपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया है? क्या इस केस के तार कहीं और से भी जुड़े हैं? इन तमाम मामलों को खंगालने में स्मिता पारेख की अहम भूमिका हो सकती है। मैं आपको बता दूँ, स्मिता पारेख के साथ पोएट्री सेशंस किया करते थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके घर जाया करते थे और लगभग मुझे लगता है जुलाई महीने से स्मिता पारेख ने बात करनी शुरू की है और उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत केस में। ऐसे में उनकी गवाही बेहद अहम रहती है। बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।